Hey guys, welcome back to my channel Kiran's Lifestyle Cook. You are doing well. So guys, today I am sharing my Myntra shopping haul, जो कि होने वाला है backpack collection. So without any further discussion, let's get started. So सबसे पहले ये clutch and this clutch is from Bagot and Bagot is an Indian brand जो कि अपने आप सबसे ज़्यादा popular भी है. And ये इन्होंने इसमें एक zip दे रखी है. इसका main compartment ये है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है और आप इसमें बड़ा मोबाइल इजीली कैरी कर सकते हैं. और अगर कार्ड होल्डर की बात करें तो इसमें कार्ड होल्डर हैं 6, 1, 2, 3 और इसमें इन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है, ऐसे कार्ड तरीके से दिया है. ओके, और इसमें इन्होंने एक बीच में जिप दे रखी है अंदर, इसमें आप अपने रुपए रख सकते हैं. और इसमें भी अच्छी खासी जगह है. ये जो बैग है इसका कलर जो है वो लाइट पिंक कलर है. द क्वालिटी ऑफ दिस बैग इज ऑसम. और इन्होंने पीछे भी एक छोटी सी जिप दी है जिसमें आप अपने कॉइन्स या कुछ रख सकते हैं. गहरी है. और अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 1390 और ये मिंत्रा की सेल में मुझे मिला था 565 का. एंड सेकेंड, ये भी एक क्लच है और इट्स आल्सो फ्रॉम बैगेट. इसका कलर है रेड. यहाँ पर बैगेट का लोगो लगा हुआ है, उसमें भी लगा था. और इसमें भी ये उसी तरीके से जिप दे रखी है और इसमें भी स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है. लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें इन्होंने बीच में जिप नहीं दिया है, बीच में एक और कंपार्टमेंट नहीं दिया है. इन्होंने एक मेन कंपार्टमेंट ही है, बट इसमें भी आप मोबाइल बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं. कार्ड होल्डर इसमें भी 6 दिए हुए हैं और स्पेस इसमें भी बहुत ही अच्छा है. और क्वालिटी की बात करें तो इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. फ्रेंड्स, ये लेदर का नहीं है, इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक का है और ये बहुत ही क्लासी लगता है. एंड थर्ड है ये हैंड बैग एंड इट्स फ्रॉम कैपेल्सिल. सो गाइस, ये बहुत ही बड़ा बैग है. जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर वन डे के लिए कहीं पर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा बैग है. इसमें इन्होंने की जिप दी है और देखिए इसका कंपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है, जैसे कि उन्होंने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है बीच में इस जिप से. और इस जिप में भी इन्होंने एक कंपार्टमेंट दिया है. यहाँ पर इन्होंने ये दो पॉकेट बनाई हुई हैं जिसमें आप अपना छोटा सा वॉलेट या फिर मोबाइल चार्जर कैरी कर सकते हैं. और इस साइड इन्होंने दी है एक छोटी सी जिप जिसमें आप अपने रुपए या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप अच्छे से अंदर इसे रख सकते हैं. और बात करते हैं इसके स्ट्रैप की, तो इन्होंने एक स्ट्रैप दी हुई है जिसे आप शोल्डर पर इसे कैरी कर सकते हैं, आराम से शोल्डर बैग बना सकते हैं. और अब करते हैं इसके आगे की बात, तो आगे इन्होंने छोटा सा कंपार्टमेंट दिया, पॉकेट दी है जिसमें आप अपने रुपए या फिर मोबाइल रख सकते हैं. इसके स्ट्रैप की बात करें तो इसका स्ट्रैप देखिए पास से बहुत ही सॉफ्ट है, इसका सिंथेटिक है, बहुत ही सॉफ्ट है, आप आराम से इसे कैरी कर सकते हैं. इन्होंने इसके पीछे कंपार्टमेंट, एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी दिया है. इस बैग में बहुत ही अच्छे से जगह दी है और क्वालिटी वाइज ये बैग बहुत ही अच्छा है. ये नीचे से सिर्फ फ्लैट दिया हुआ है, आप आराम से इसे रख सकते हैं. इसकी बात करें तो ये सिंथेटिक लेदर से बना हुआ है और इसके डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है. और कलर की बात करें तो इसका कलर है ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर में है ये. मिंत्रा पे इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 3 मिंत्रा की सेल पर मुझे ये 1200 का मिला है. सो फोर्थ एंड द लास्ट जो कि है हैंड बैग और इट्स फ्रॉम लावी. ये यहाँ पर इसका लोगो बना हुआ है. का जो कलर है वो है गोल्डन ब्राउन कलर का, जो कि बहुत ही हल्का सा शाइनी होता है.
अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है एक जिप दिया और एक ही मेन कंपार्टमेंट दिया हुआ है। इन्होंने इसमें इसे बीच से डिवाइड ना कर कर इन्होंने साइड से दो चैन दिए, एक ये चैन दी है और एक ये जिप दी हुई है। और कंपार्टमेंट, मेन कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो उन्होंने एक ही दिया हुआ है। और इन्होंने ये साइड से दो पॉकेट दिए हैं जो कि मोस्टली हैंडबैग में देते हैं, एक ये बैग दी है और एक ये दी है जिसमें आप अपना छोटा से छोटा सामान रख सकते हैं, मोबाइल कैरी कर सकते हैं। पीछे इन्होंने एक पॉकेट दी हुई है छोटी सी जिसमें आप मोबाइल कैरी कर सकते हैं, रुपए रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ चाबी वगैरह कैरी कर सकते हैं। आगे इन्होंने कोई भी पॉकेट नहीं दी है। स्ट्रैप की बात करें तो ये स्ट्रैप दिया हुआ है और नीचे से ये फ्लैट है। शोल्डर बैग बनाने के लिए इन्होंने इसमें एक स्ट्रैप दी है जो कि काफ़ी लंबी है। क्वालिटी की बात करें तो इसके जो बैग की क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी है। और ये जो बैग है वो अनुष्का शर्मा कलेक्शन से है और मिंत्रा पे इसका जो कॉस्ट है वो 3500 है और ये जो मुझे मिला है वो मिंत्रा की सेल पर 1500 का मिला। तो गाइज़ ये था मेरा बैग शॉपिंग हॉल जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही क्लासी है। ये 500 से 1500 तक के बीच में है जिसे आप बहुत ही आराम से ले सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।